Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the third part of chapter 4, Jim Corbett and Robin. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 4 का थर्ड भाग पढ़ेंगे. जैसे कि आपको पता है कि आपके चैप्टर 4 का नाम है जिम कॉर्बेट एंड रोबिन. लेट्स नाउ स्टार्ट. ही टुक हिम होम वेयर ही गेव हिम अ वार्म वाटर बाथ एंड सम मिल्क टू ड्रिंक. ही वॉज सच अ फ्रेंडली एंड इंटेलिजेंट डॉग दैट जिम बिगन टू ट्रेन रोबिन टू रिट्रीव बर्ड्स. सो वैन ही वॉज ओल्ड इनफ ही टुक हिम अलोंग फॉर हिज फर्स्ट हंट. इट हैंडल्ड इन सम ड्राई बुशेज एंड रोबिन डैश्ड आफ्टर इट. मीन्स बच्चों पहले हमने पढ़ा था कि जब जिम कॉर्बेट को रोबिन मिलता है, जो उसका कुत्ता मिलता है, वो बड़ा ही गंदा होता है. ठीक है, जब वो कॉर्बेट उसे घर लेकर आता है तो वो तब क्या होता है, ही टुक हिम यानी वो उसे टुक हिम होम वह उसे घर लेकर आता है. वेयर ही गेव हिम अ वार्म वाटर बाथ और उसे वार्म वाटर यानी ये गर्म पानी जो है उसे नहाने के लिए देता है. एंड सम मिल्क टू ड्रिंक और कुछ दूध उसे पीने के लिए देता है. यानी जब जिम उस कुत्ते को अपने घर लाता है तो उसे नहाने के लिए वार्म वाटर और पीने के लिए दूध देता है. ही वॉज सच अ फ्रेंडली एंड इंटेलिजेंट डॉग दैट जिम बिगन टू ट्रेन रोबिन टू रिट्रीव बर्ड्स. रिट्रीव का मतलब होता है बच्चों बचाना. He was a such friendly माने दोस्त, यानी वो उसका एक दोस्त के रूप में था, जो डोगी था वो उसके एक दोस्त के रूप में था. An intelligent dog और वो एक बुद्धिमान डॉग था. That Jim began to train Robin to retrieve birds. तो जिम ने उसे क्या करना, उसे ट्रेन यानी उसे सिखाना शुरू कर दिया, उसे उसे सिखाना शुरू कर दिया कि किस तरह से पक्षियों को बचाया जाता है. बर्ड्स यानी किस तरह से जो है पक्षियों को बचाया जाता है. तो एक काम उसने शुरू कर दिया. सो व्हेन ही वाज ओल्ड इनफ, जब वह काफी बड़ा हो गया, इनफ माने काफी, ही टुक हिम अलोंग फॉर हिज फर्स्ट हंट, तो वो उसे अपने पहले शिकार पर उसे अपने साथ ले गया. इट हैंडल इन सम ड्राई बुशेस एंड रोबिन डैश्ड आफ्टर इट. यानी उसने कुछ सूखी पत्तियां देखी. ड्राई बुशेस का मतलब होता है सूखी झाड़ियां या सूखी पत्तियां. उनने सूखी पत्तियों को देखा. एंड रोबिन डैश्ड आफ्टर इट और रोबिन जो है उन पत्तियों के पीछे गया, यानी उन पत्तियों में जाकर रोबिन चला गया. नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, आफ्टर सम टाइम ही रिटर्न, यानी कुछ समय पश्चात वो वापस आया, ड्रैगिंग द वाउंडेड बर्ड बिटवीन हिज टीथ. यानी कुछ समय पश्चात वे वापस आया. ड्रैगिंग माने होता है खींचना. द वाउंडेड बर्ड यानी वो उसने वो एक अपने टीथ में अपने दांतों में जो है उसने एक जख्मी पक्षी को दबा रखा था और वो उसे लेकर आया. A few days later, they were walking back home when Robin saw a big troop of langurs. Means, कुछ दिनों बाद they were walking back home. यानी कुछ दिनों बाद वे घर वापस आए. When माने जब. Robin saw a big troop of langurs. रोबिन ने क्या देखा? रोबिन ने जो है एक जो लंगूर है, लंगूरों का एक समूह देखा. ट्रूप माने होता है समूह. लंगूरों का एक क्या देखा? समूह देखा. रोबिन डैश्ड आफ्टर अ लंगूर यानी रोबिन जो है एक लंगूर के पीछे भागने लगा. विच प्रमोटली क्लाइम्ड अ ट्री यानी जो प्रमोटली का मतलब होता है तुरंत, क्लाइम्ड अ ट्री उस पेड़ पर चढ़ गया. जिम विसल्ड टू कॉल रोबिन बैक बट द डॉग
डिड नॉट लिसन टू हिज विसल, यानी जिम ने विसल बजाई, विसल का मतलब सीटी बजाई, टू कॉल रोबिन, रोबिन को बुलाने के लिए, बैक माने वापिस, बट किंतु द डॉग डिड नॉट लिसन टू हिज विसल, लेकिन डॉग ने उसकी विसल को, विसल का मतलब होता है सीटी, डॉग ने उसकी सीटी को नहीं सुना। ही चेज द लंगूर्स, ही चेज द लंगूर्स, ही चेज द लंगूर्स अ लिटिल डिस्टेंस अवे वर सम बुशेस बिहाइंड विच वॉज अ डीप डिप, रॉबिन हैड हार्डली एंटर्ड दोज बुशेस व्हेन ही केम रनिंग आउट अगेन हिज टेल टक्ड बिटवीन हिज लेग्स, अ हुज लेपर्ड वॉज रनिंग आफ्टर हिम, मीन्स ही चेज द लंगूर्स, वह लंगूर्स का पीछा कर रहा था, अ लिटिल डिस्टेंस माने कुछ दूरी पर, अवे फ्रॉम सम बुशेस बिहाइंड विच वॉज ए डीप डिग, यानी कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर कुछ बुशेस माने कुछ झाड़ियाँ थी जिन झाड़ियों के पीछे एक गहरा गड्ढा था। रोबिन हैड हार्डली एंटर्ड दोज बुशेस, यानी रोबिन जो है मुश्किल से ही उन झाड़ियों में प्रवेश किया, यानी रोबिन मुश्किल से उन झाड़ियों में घुस पाया। वैन माने जब, ही केम रनिंग आउट अगेन हिज टेल, जब वो वापस आया तो हिज टेल माने उसकी पूंछ, टक्ड बिटवीन हिज लेग, तो उसकी जो पूंछ थी वो उसके पैर में लिपट गई या पैर में अटक गई। A huge leopard was running after him, यानी एक विशाल तेंदुआ, a huge leopard का मतलब एक विशाल तेंदुआ उसके पीछे जा रहा था। Jim was not carrying a gun and he could not save his dog. The langurs were calling loudly from the trees. The leopard came closer and closer to Robin. And just when he was within reach of Robin, he turned and disappeared the other side. Means, Jim was not carrying a gun. यानी जिम के पास उसकी अपनी बंदूक नहीं थी. And माने और, he could not save his dog. वो अपने dog को नहीं बचा सकता था. The langurs were calling loudly from the trees. मीन्स जो लंगूर्स थे वो पेड़ से बहुत जोर जोर से, लाउडली का मतलब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आवाज़ दे रहे थे। द लियोपर्ड केम क्लोजर एंड क्लोजर टू रोबिन, जो लियोपर्ड था, जो तेंदुआ था, वो रोबिन के पास और पास आता जा रहा था। क्लोजर एंड क्लोजर का मतलब पास और पास। एंड जस्ट व्हेन ही वाज विद इन ईच ऑफ रोबिन, और जब वो रोबिन के पास पहुँचने ही वाला था, रीच का मतलब पहुँचना, He turned, वह मुड़ा, and disappeared the other side, और वो दूसरी तरफ गायब हो गया। Robin learnt two very important lessons that day which he never forgot in life. First, never to disobey his master, whistle, and secondly, never to chase langurs. He also learnt that when langurs gave a warning call, it mean that a leopard was deeply after that day. Robin always obeyed Jim's order. He learned to walk as silently as a cat does in the jungle. He also learned to pay no heed to any animal or bird except the one they are hunting. Means, दोबारा समझते हैं बच्चों इसे। Robin learnt two very important lesson. यानी that day, यानी उस दिन Robin ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखे, यानी उसने दो सबक सीखे, which कौन कौन से, ही नेवर फॉरगेट इन लाइफ, जो वो अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फर्स्ट माने पहला,
नेवर टू डिसोबे हिज मास्टर विसल, कि वो कभी भी अपने मास्टर की विसल का मतलब सीटी का उल्लंघन नहीं करेगा, यानी हमेशा वो अपने उसके अपने मास्टर के सीटी की आज्ञा का पालन करेगा। एंड सेकेंडली, दूसरा, नेवर टू चेज लंगूर्स, वो लंगूर का पीछा कभी नहीं करेगा। ही ऑल्सो लर्नड दैट व्हेन लंगूर्स गिव अ वार्निंग कॉल, इट मीन दैट अ लियोपर्ड वॉज नियर बाय। मीन्स ही ऑल्सो लर्नड, लर्नड का मतलब सीखना, उसने ये भी सीखा कि जब लंगूर्स जोर जोर से आवाज निकालते हैं, इसका मतलब है कि लियोपर्ड, लियोपर्ड यानी तेंदुआ बहुत पास में है। यानी जब लंगूर जोर से आवाज देने की चेतावनी देते हैं तो इसका मतलब है कि तेंदुआ पास में ही है। आफ्टर दैट डे, उस दिन से रोबिन ऑलवेज ओबेड जिम्स ऑर्डर, रोबिन अपने मालिक जिम की आज्ञा को हमेशा मानने लगा। ही लर्न टू वॉक एज साइलेंटली एज कैट डज इन द जंगल, यानी ही लर्न, वह सीख गया था वॉक मीन्स चलना, साइलेंटली का मतलब चुपचाप, एज अ कैट डॉग्स इन द जंगल, यानी जिस तरह से बिल्ली चलती है इस तरह से उस डॉग ने भी बिल्कुल शांति के साथ चलना सीख लिया था। ही आल्सो लर्न टू पे नो हीड टू एनी एनिमल और बर्ड एक्सेप्ट द वन दे आर हंटिंग, यानी उसने ही आल्सो लर्न का मतलब उसने सीखा टू पे नो हीड, कोई ध्यान नहीं देना, टू एनी एनिमल और बर्ड, यानी किसी भी जानवर पर, किसी पक्षी पर अब वो ध्यान नहीं देता था, एक्सेप्ट केवल द वन दे आर हंटिंग, केवल जिसका उन्हें शिकार करना होता था वे केवल उसी पर ध्यान देते थे। नेक्स्ट है, लास्ट की टू लाइनें बच्चों, ये रोबिन रिमेन अलीव टू द राइप एज ऑफ 13 एंड हिज ग्रेव कैन स्टिल बी सीन इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एट कालादुंगी। मीन्स रोबिन रिमेन्ड एलियू एट द राइप एज ऑफ 13, यानी रोबिन जो है 13 साल की उम्र तक जिंदा रहा। एंड हिज ग्रेव, ग्रेव का मतलब गुफा, एंड हिज ग्रेव कैन स्टिल बी सीन, और जो उसकी गुफा है वो अब भी देखी जा सकती है, कहाँ पर, जिम कार्बेट नेशनल पार्क एट कालादुंगी, यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर उसकी जो कबर है वो अभी देखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अब आपको इस चैप्टर की क्या करनी है, रीडिंग करनी है, रीडिंग के साथ जो भारी वर्ड्स हैं उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अगले टर्न पर आपको इसके क्वेश्चन आंसर के नोट्स सेंड किए जाएंगे। थैंक यू।